अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्पॉट द टेस्ट। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर का कट, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए थे 1 किलो टमाटर और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखें बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इसकी स्किन रिमूव कर दूँगी। बहुत ईजली स्किन देखें इसकी रिमूव हो रही है। ये देखें अब मैंने तकरीबन सारे टमाटरों को की स्किन रिमूव कर दी है और अब मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज टमाटर का कट बनाती हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये टमाटर सारे मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको हम कर देंगे ब्लेंड। टमाटर हमारे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पेपरिका पाउडर और बेसन। 2 से 3 टेबलस्पून बेसन हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है और ये टोमेटोज के साथ हम इन सारे स्पाइसेस को ब्लेंड कर लेंगे। बेसन, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, ये सब ब्लेंडर में चला जाएगा। और अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर अपनी ये टोमेटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 2 कप पानी भी ऐड कर रही हूँ और अब हमें इसको जब तक पकाते रहना है, हिलाते रहना है इस तरह से जब तक हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेसन के लम्स बन सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दिया है नमक। नमक हसबे जायका जाएगा इसके अंदर। देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ, जब तक इसके अंदर बॉईल नहीं आ जाएगा मैं इसको इसी तरह हिलाते रहूँगी ताकि बेसन के लम्स ना बने। तकरीबन 20 से 25 मिनट में बहुत ही अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं उसको पकते हुए और मैंने इसको बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। टमाटर का कट हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे ऑयल, लहसुन, ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ता। इससे हम इसको बगाड़ लेंगे। लहसुन को हल्का सा हमने गोल्डन सा ब्राउन करना है और फिर इसको हम तड़का देंगे। तो जी बताएँ आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आजकल तो दुबई का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और कराची का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। खूब बारिशें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा ठंडा वेदर हो गया है। आई होप आप लोग ने आज की रेसिपी इन्जॉय की होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसको बॉयल एग के साथ सर्व किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में सर्व करूँ, जिस तरह से ये खाया जाता है मैंने आपको एग्जैक्टली उसी तरह से बनाना बताया है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूँगी आपसे एक और नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।